Okay, we start. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. कल जैसे बात हुई थी कि आप लोग इसको देख लेना दोनों वीडियोस को, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने देख लिया होगा. ठीक है, कॉरोनरी सर्कुलेशन. कॉरोनरी सर्कुलेशन, सानिया बेटे वॉइस मेरी आ रही है, आप अपने एंड पे देखो. शाबाश. अच्छा, ये टेस्ट के मुतालिक सीआर मेरे से मुझे मैसेज करे आफ्टर दिस क्लास, तो फिर हम आपका जो हार्ट वाला है ना टेस्ट, वो स्केड्यूल करेंगे. ठीक है, सीआर है अगर तो सीआर नोट करें और मुझे फिर बाद में टेक्स्ट करें. ठीक है, ओके. नाउ हमने कॉरोनरी सर्कुलेशन की बात कर ली थी और वो उसमें वीडियो में भी आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होनी है. सेकंड, मैंने आपसे कहा था कि सेरिब्रल सर्कुलेशन भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी कॉरोनरी सर्कुलेशन ज़रूरी है. और जो सेरिब्रल सर्कुलेशन है वो ज़ाहिर इससे ज़रूरी है कि वो ब्रेन को ब्लड सप्लाई हो रहा होता. ठीक है, अब इसमें जो पहले ही मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ वो ये कि सारी की सारी जो ब्लड है वो ब्रेन को एक्सेस नहीं कर सकता, ब्रेन को सप्लाई नहीं कर सकता. बीच में एक ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, बी ब्लड ब्रेन बैरियर. ठीक है, ये ब्लड ब्रेन बैरियर आप समझें, एक मेम्ब्रेन होती है जो ब्रेन और उसके स्ट्रक्चर्स के अराउंड बिछी हुई होती है, या उसका एक तरह का उसका गिलाफ बना हुआ होता है ब्रेन के अराउंड, और ब्लड जो है वो उसके आउटसाइड होता है. ठीक है, तो कुछ सिचुएशन कुछ इस तरह से होती है कि ये ब्रेन है अगर मिसाल के तौर पर, तो ये वो ब्लड ब्रेन बैरियर है ये. ठीक है, ये ब्लड ब्रेन बैरियर है, ये जो मेम्ब्रेन है. ठीक हो गया, और जो आपका जनाब वाली ब्लड है मैं उसको वैसे ब्लू से बना रहा हूं ताकि आपको समझ लग जाए, वो ब्लड जो है ना वो इधर होता है, बाहर होता है. ठीक है, समझ में आ रही है बात बच्चों? और बाकी गुड गुड. सो ये ब्लड है, ये झिल्ली जो है ये ब्लड ब्रेन बैरियर है और ये अंदर ब्रेन है. इसका मकसद क्या होता है? इसका मकसद ये होता है कि भाई हर जो ब्लड में कोई चीज़ अगर टॉक्सिक आ गई है, या कोई अगर ब्लड में कोई और मसाइल हो गए हैं, पीएच के या बाकी ढेरों सारे इश्यूज हो सकते हैं, बैक्टीरिया है, वायरसेस हैं, वो उनको खुली छुट्टी ना दी जाए, उनको एक बैरियर से गुजारने की उनकी रिक्वायरमेंट दी जाए ताकि ब्रेन सिक्योर है. ठीक है, बस ये इतना है. इसके बाद इसकी जो डिटेल्स है वो एनाटॉमी में आप करेंगे, जो एनाटॉमिकल डिटेल्स है. ठीक है, अब आ जाते हैं फिजियोलॉजी पे. तो जैसे हम अब लास्ट दो तीन लेक्चर से पढ़ते आ रहे हैं कि हर जो सर्कुलेशन है वो अपना एक प्रेफर्ड तरीका इस्तेमाल करती है रेगुलेशन का, तो इसका जो प्रेफर्ड तरीका है इसका भी रादर कॉरोनरी सर्कुलेशन में भी हमने पढ़ा था कि जी लोकल मेटाबोलाइट्स जो हैं वो मेन बड़ा कलीदी किरदार अदा करते हैं. ठीक है, और उसमें लेकिन हमने ये भी पढ़ा था कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो भी एक किरदार अदा करता है. हाउएवर इसमें जैसे आप देख रहे हैं कि ये ऑलमोस्ट इंटायरली लिखा हुआ है. ठीक है, ऑलमोस्ट इंटायरली, तो ये ऑलमोस्ट इंटायरली का मतलब ये है कि बस यही मेन किरदार अदा करता है लोकल मेटाबोलाइट्स. ठीक है, अब उन लोकल मेटाबोलाइट्स में मेन किरदार किसका है? कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, ये मेन किरदार अदा करते हैं बाय एक्टिंग एज ए लोकल वेजोडायलेटर. ठीक है, ये चीज है, ये कोई बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी चीज इसमें नहीं है. और ये तीनों चीजें यानी अपना ऑटो रेगुलेशन भी एग्जिबिट करता है, एक्टिव और रिएक्टिव हाइपरीमिया भी एग्जिबिट करता है. ये सारी वो ये सारा स्पेक्ट्रम जो कि हमने लोकल ब्लड फ्लो में पढ़ा था, जो टेक्नोलॉजी यूज हो सकती है, ये वो सारी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं. ठीक है,
तो ये होगी सेरेब्रल सर्कुलेशन। सेरेब्रल सर्कुलेशन में कोई क्वेश्चन है बेटे? आवाज कटने का बेटे ताल्लुक आपके इंटरनेट से है, ठीक है। और मैं आपको दोबारा याद करा दूं कि ये लेक्चर जो है ये रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके पास अवेलेबल होता है, जो बाय द वे बहुत कम बच्चे देखते हैं, लेकिन चले इसका मतलब है उनको लाइव समझ में आ जाता है। तो मैं तो अस्यूम करता हूँ कि आपको समझ में बात आ रही है। जी बेटे ब्रेन के राउंड चलो आगे चले, आगे चलते। अब आ जाते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। पल्मोनरी सर्कुलेशन, अब पल्मोनरी सर्कुलेशन में मैं आपको पहले तो ये बताऊं कि इसका जो मेन कंट्रोलर है वो ऑक्सीजन है, लेकिन ऑक्सीजन एक लिहाज से डिफरेंट तरीके से यहां पे इस्तेमाल होती है, वो अभी हम बात करते हैं, ठीक है। पहले आप जरा रजिस्टर कर लें। जी बिल्कुल मुबशरा, इसलिए बेटे डालता हूँ, कोई बात नहीं बेटे, कोई बात नहीं, फेवर किस बात का, तो हमारा फर्ज है। अच्छा जी, तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में मेन चीज ऑक्सीजन है, जो मैं बात अभी आपसे कर रहा था, ठीक है। नाउ ऑक्सीजन का लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का यहाँ पे इस्तेमाल है, वो आप जरा गौर से सुन लें, ठीक है। पहले मैं आपको समझाता हूँ कि अगर बॉडी में कहीं भी किसी भी टिश्यू में, आप समझें लेट्स से ये एक टिश्यू है, ठीक है, ये एक टिश्यू है, ये पल्मोनरी नहीं है, ये एक ऑर्डिनरी टिश्यू है कहीं भी बॉडी में, यहां पे जब आप हाइपोक्सिया करेंगे तो उसका इसके इस पे वेसल्स पे क्या असर होना चाहिए आपके ख्याल? अगर इसमें इस टिश्यू में हाइपोक्सिया हो जाता है तो उसका इसके ब्लड वेसल्स पे क्या असर पड़ेगा? ये क्वेश्चन है, इसका जवाब दे। ये ब्लड वेसल बना दिए मैंने। अच्छा, दो बच्चे कहते हैं वेसोडायलेशन होगी, तीन बच्चे कहते हैं, बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं? चार बच्चे बस, पांच, 62 बच्चे इस वक्त हैं, 62, 6, 7, 8, 9, बिल्कुल सही है, बस ठीक है, आपको समझ में आ गया। अब इस बात को आपने याद रखना है बेटे कि हाइपोक्सिया में अगर टिश्यू में हाइपोक्सिया हो जाए तो उसके वेसल्स में वेजोडायलेशन होती है, जाहिर है वेजोडायलेशन होगी तो ही इंक्रीज ब्लड फ्लो होगा, ठीक है ना, ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा और इंक्रीज ब्लड फ्लो की वजह से जो ऑक्सीजन की डिमांड है वो पूरी हो जाएगी, ठीक है, ये बात होगी। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन में इसका ऑपोजिट होता है। जी इस जगह पे वेजो कंस्ट्रक्शन होगी, कोई बच्चा वजह बताएगा भाई लंग में क्यों ये इतनी ज्यादती हो रही है? लंग में अगर हाइपोक्सिया होगा तो वेजो कंस्ट्रक्शन हो जाएगी उस जगह पे, ये क्या बात है? जिन बच्चों ने तो वो वीडियो देखी भी है, थोड़ी सी कवर की भी है, वो तो रेडी बैठे होंगे इस वक्त, कोई उनमें से कोई एक छोटी सी मुझे हिंट दे दे ताकि मुझे समझ आ जाए कि आपको पता है। ओके, नहीं ये वजह नहीं है बेटे, जो ब्लड आ रहा होता है आपने इसमें गौर करना है। हाँ मारिया, यस बिल्कुल यही जवाब, बिल्कुल हम
देखो आपने इस ये बड़ी सिंपल सी बात है, आपको एक बार बताऊंगा समझ आ जाएगी। आप ब्लड लंग में डालते क्यों हैं, ले जाते क्यों हैं? ऑक्सीजनेशन के लिए ले जाते हैं कि भाई ऑक्सीजनेट हो और अपना कार्बन डाइऑक्साइड से निकाली जाए, इसीलिए जाते हैं ना ब्लड आप लंग में। अब एक ऐसी जगह है कि वहां पे ये अगर चलो बना ही लेते हैं, ये लंग है ठीक है। अब यहां पे एक ऐसी जगह है जहां पे इसके ब्रोंकाई फंस गए हैं, इसके ब्रोंकाई में कुछ फंस गया है, इसके जो एयरवेज है ना यहाँ पे गड़बड़ हो गई है, और यहाँ पे जो एयर की जो एंट्री है वो डिक्रीज हो गई है, एयर फ्लो इस जगह पे डिक्रीज हो गया। तो यहाँ पे ब्लड ला के, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ला के आपने क्या करना है, वो फायदा है इसका? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का यहाँ इस पैच में, ये जो पैच बन गया हुआ है, इस पैच में लाने का कोई फायदा है? इधर एयर ही नहीं आ रही, या एयर बहुत कम आ रही है, ऐसा ही है ना? हम तो उन रीजन्स में जाना चाहते हैं जो टॉप के रीजन्स हो, जो सबसे अच्छे, जहां पे एयर आ रही हो। यहां पे तो एयर आ ही नहीं रही, हमने खुद कह दिया है। तो इस जगह पे हाइपोक्सिया हो गया, जाहिर है ऑक्सीजन की कमी को हाइपोक्सिया कहते हैं ना बेटे, यहां पे हाइपोक्सिया हो गया। तो यहां के जो वेसल्स होते हैं वो वेजो कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, वो वेजो कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। सो हाइपोक्सिया कॉजेज वेजो कंस्ट्रिक्शन इन लंग्स, जबकि हाइपोक्सिया एनीवेयर एल्स कॉजेज वेजो डायलेशन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है जो आपको आनी चाहिए। ठीक है, सबको समझ में आ गया? चलो, इसका अंदर कोई सवाल नहीं है, हम आगे बढ़ सकते हैं। चलो अच्छा, अब आ जाओ आप रीनल पे। ठीक है, रीनल सर्कुलेशन पे। अब रीनल सर्कुलेशन जो है वो, ये हमने पहली बात कर ली थी, काफी दफा रिपीट भी कर लिया कि वो टाइटली ऑटो रेगुलेटेड है। मैंने आपसे कहा था कि एज वाइड रेंज एज 82-180 mm HG आर्टीरियल ब्लड प्रेशर में अगर वेरिएशन हो जाए, यानी इतनी ज्यादा भी वेरिएशन हो जाए जितनी मैंने यहाँ लिख दी हुई है, ये बहुत बड़ी वेरिएशन है, यानी 80 तक ड्रॉप कर जाए, या 80 तक ड्रॉप कर जाए, या 180 तक बढ़ जाए अगर आर्टीरियल ब्लड प्रेशर, यानी जो पीछे से प्रेशर आ रहा है, तो फिर भी किडनी जो है वो अपने ब्लड फ्लो को ऑटो रेगुलेट करने का एक वो रखती है, एक अबिलिटी रखती है। ठीक है, अब इसमें इस ऑटो रेगुलेशन के दो जो मेन किरदार हैं, एक मेन किरदार है वो है मायोजेनिक मैकेनिज्म। ठीक है, और ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, पहले कर चुका हूं, दोबारा नहीं करूंगा। ठीक है, दूसरा जो है वो ट्यूबलो ग्लोमेरुलर फीडबैक है, ये आप लो किडनी में पड़ेगा। ठीक है, सो जो किस्सा मुख्तसर, जो मेन चीज है रीनल सर्कुलेशन की रेगुलेशन में वो है कि जनाब ये ऑटो रेगुलेट होती है, ये ऑटो रेगुलेट होती है ड्यू टू द एबिलिटी ऑफ इट्स आर्किटेक्चर या वेसल्स फॉर मायोजेनिक रिस्पॉन्स, एंड सेकेंडली ट्यूबलो ग्लोमेरुलर फीडबैक। ठीक है, ये इतना ही है, कोई सवाल नहीं है तो आगे चले। अब
अब आ जाते हैं, डीनर्वेटेड होता है बेटे अगर अगर वो, अच्छा आप शायद इसकी बात कर रहे हो, किडनी इज डीनर्वेटेड, यानी अगर से मुताबिक फाइबर्स अगर कट भी जाए, और वो कटते किस सूरत में है, जब किडनी ट्रांसप्लांट होती है ना, किडनी जब किसी की ट्रांसप्लांट होती है तो उसके साथ नर्व्स नहीं आती, जाहिर है सिर्फ किडनी आती है, हार्ट में भी और किडनी में भी, याद रखो जब ट्रांसप्लांट होता है तो नर्व्स नहीं साथ आती, यानी जब इंजन डलता है किसी गाड़ी में तो तारें अपनी खुद लानी होती हैं, पुरानी जो तारें हैं वो नहीं लगती उसको, ये मैंने बड़ी अजीब सी एग्जांपल दी है। तो जब आप हार्ट ट्रांसप्लांट करते हैं तो हार्ट में मैं आपको अच्छी तरह बेहतर बता सकता हूँ, आपने याद है ना वो सिंपथेटिक और पैरासिंपथेटिक इनर्वेशन की सारी हमने बात की थी, तो जब आप हार्ट को ट्रांसप्लांट करेंगे, यानी आप ये वाला हार्ट निकाल देंगे और एक नया हार्ट लगा देंगे किसी भी वजह से, तो जो नए हार्ट में जिस बॉडी, जो बॉडी रिसीव कर रही है, रिसिपिएंट कहते हैं उसको, रिसिपिएंट के जो सिंपथेटिक और पैरासिंपथेटिक फाइबर्स हैं वो इस नए हार्ट में कनेक्ट नहीं हो सकते, वो अभी तक टेक्नोलॉजी नहीं बनी, फ्यूचर में शायद बन जाए, अभी तो नहीं है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से किडनी, किडनी भी जो है वो अपना वो जो सिंपथेटिक इनर्वेशन उसको हो रही होती है वो अब ट्रांसप्लांटेड किडनी में नहीं होगी, क्योंकि वो आप जोड़ नहीं सकते वो नर्व्स। जी बेटे, जी बेटे, मेन जो है वो ऑटोरेगुलेशन में ब्लड प्रेशर ही को देखना होता है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ब्लड फ्लो की, हम किडनी में या किसी भी ऑर्गन में ब्लड फ्लो की बात कर रहे हैं, और ब्लड फ्लो का ताल्लुक प्रेशर से होता है, परफ्यूजन प्रेशर से होता है, तो बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आपको कि सिंपथेटिक इनर्वेशन जब कायम होती है तब वो भी एक पार्ट प्ले करती है रेगुलेशन में, रेगुलेशन, ठीक है। लेकिन ऑटो रेगुलेशन का जिक्र ये हो रहा है कि ऑटो रेगुलेशन सिंपथेटिक सिस्टम से मुबर्रा है, इसका ताल्लुक मेनली मायोजेनिक और ट्यूबुलोग्लोमेरुलर फीडबैक से रिलेटेड है, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं स्केलेटल मसल सर्कुलेशन। अब स्केलेटल मसल सर्कुलेशन यूनिक है, कैसे यूनिक है, यूनिक इस तरह से है कि ये दोनों लोकल मेटाबोलाइट्स और सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम दोनों को इस्तेमाल करती है, ये इस तरह से यूनिक है, ठीक है। अच्छा यहां पे अब जब एट रेस्ट होता है मामला, ठीक है, जब आपको पता है ना कि अब स्केलेटल मसल का जाहिर है जिक्र आया है, तो अब जिक्र आएगा एक्सरसाइज का या एट रेस्ट का, दो ही सिचुएशंस होती है ना स्केलेटल मसल में, या तो वो एट रेस्ट होता है, या तो वो एट रेस्ट होता है या वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है। तो अगर आप रेस्ट की बात करते हैं तो रेस्ट में मेनली जो फ्लो रेगुलेट हो रहा है वो सिंपथेटिक नर्वस इनर्वेशन से हो रहा है बाय वेजो कंस्ट्रिक्शन, ठीक है। यानी ये आप समझें एक बेस लाइन चीज होती है जो हर वक्त एक्टिवेटेड होती है, ठीक है। सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम, गौर से सुनो, जब ज्यादातर तो आप एट रेस्ट होते हो ना, तो स्केलेटल मसल पे जो ज्यादातर कैफियत होती है वो एट रेस्ट पे होती है, सही। एट रेस्ट पे सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम का एक खास अमाउंट ऑफ कह लो के इनर्वेशन होती है जो हर वक्त रहती है, ठीक है। बाय द वे ये जो इनर्वेशन है जो हर वक्त रहती है ये तमाम वेसल्स पे भी रहती है, ठीक है। इसको वेजोमोटर टोन कहते हैं, ये हम करेंगे ब्लड प्रेशर रेगुलेशन में। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको फेमिलियर हो जाओ इस टर्म से, वेजोमोटर टोन। वेजोमोटर टोन का मतलब ये होता है बेटे कि जहां से सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम निकल रहा होता है ना, ब्रेन से निकल रहा होता है, ब्रेन स्टेम से निकल रहा होता है, ठीक है। ब्रेन के एक एरिया है जिसको ब्रेन स्टेम कहते हैं, वहां से सिंपथेटिक सिस्टम के फाइबर्स ओरिजिनेट करते हैं, ठीक है। माउस से लिखना बड़ा मसला होता है। तो ये जो सिस्टम है ना, ये वाला सिस्टम, ये सिस्टम हर वक्त एक्टिव रहता है,
और ये हर वक्त सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक जैसे कह लो हल्का सा एक्टिवेटेड रखता है, हल्का सा एक्टिवेटेड रखता है, जिसका मतलब है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हर वक्त एक्टिव होता है। तो ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इनर्वेशन है ना, ये ब्लड वेसल्स पे भी होती है और जहां जहां इसके रिसेप्टर्स लगे हुए हैं वहां वहां ऑब्वियसली होती है। वो तारे तो बिछी हुई है ना हर जगह, आपने सिर्फ उसके हेड ऑफिस को एक्टिवेट करना है। हेड ऑफिस ये है, हेड ऑफिस अगर हर वक्त एक्टिवेटेड रहेगा, अब जहां जहां तारे आपने सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की बिछाई हैं वहां वहां वो एक्शन पोटेंशियल जाते रहेंगे और वो आप समझेंगे हल्की हल्की इनर्वेशन होती रहे। तो अगर वो मसल है तो मसल को, मसल के वेसल्स हैं तो मसल के वेसल्स को इनर्वेशन होती रहेगी। अगर वो सर्कुलेशन के बाकी वेसल्स भी हैं उनको भी इनर्वेशन होती रहेगी। अगर वो हार्ट है तो वो हार्ट को भी जाती रहेगी। समझ आ रही है बात? तो ये हर जगह आपने, क्योंकि इस वाले जो हेड ऑफिस है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का, उसको आपने एक्टिवेट रखा हुआ है। ये जिंदगी की अलामत है, ठीक है ना? तो इसीलिए जो भी इसकी जो रोड्स हैं या मोटरवेज हैं या रेलगाड़ी की पटरियां हैं, वो हर वक्त एक खास एक बेसिक डिस्चार्ज में होता रहता है, ये एक्टिव रहती है। ये बात समझ में आई है? बाकी औरों को समझ आई है? चलो, ये वेजो मोटर टोन याद रखना, ये आगे काम आएगी आपके, ठीक है? अच्छा जी, तो बिल्कुल इसी वजह से एट रेस्ट जब स्केलेटल मसल्स काम नहीं कर रहे होते तो उनके वेसल्स भी सिंपैथेटिक इनर्वेशन के अंडर होते हैं, जैसे मैंने अभी समझाया आपको। और आपको पता है कि अल्फा वन रिसेप्टर्स जो होते हैं उनकी वजह से वेजो कंस्ट्रक्शन होती है। तो जहां जहां बीटा रिसेप्टर्स होते हैं वहां वेजो डायलेशन होती है, जहां जहां अल्फा वन होते हैं वहां पे वेजो कंस्ट्रक्शन होती है। ज्यादातर अल्फा वन ही होते हैं, ठीक है? अब जनाब, ठीक है बेटे, आप कर लो लीजिए। अब क्या होता है, आपने एट रेस्ट तो समझ लिया। तो अगर आपसे कोई ये सवाल करे कि एट रेस्ट स्केलेटल मसल में मेन कंट्रोलर कौन है सर्कुलेशन का, तो आप क्या जवाब देंगे? सिंपैथेटिक इनर्वेशन, ठीक है? सिंपैथेटिक इनर्वेशन थ्रू, मतलब थ्रू मेजॉरिटी वेजो कंस्ट्रक्शन बट सम वेजो डायलेशन एज वेल डिपेंडिंग ऑन द रिसेप्टर, ठीक है? ये एड्रेस मैंने समरी रिवाइज करा दी। ओके, आगे चले। ओके, अब हम बात करते हैं कि भाई एक्सरसाइज में क्या होता है, ठीक है? एक्सरसाइज में क्या होगा, आपके ख्याल में क्या होगा एक्सरसाइज में बेटे? ये भी कई दफा बात हो चुकी है। व्हाट विल हैपन इन एक्सरसाइज? बेटा वेजो कंस्ट्रक्शन की रीजन मारिया, सिंपैथेटिक इनर्वेशन वेजो कंस्ट्रिक्ट करता है। हमने ये एक हार्ट में पढ़ा था बेटा। अच्छा जी, अब मुझे बताएं, हम आगे चले गए हैं वैसे, अब मुझे बताओ कि रेस्ट में तो हमने कर लिया, अब एक्सरसाइज में करना है। एक्सरसाइज में क्या होगा? वेजो डायलेशन होगी। शाबाश, क्यों? वेजो डायलेशन क्यों होगी? ठीक है, वेजो डायलेशन हो गई, क्यों होगी? क्योंकि ये मैं बात कई दफा कर चुका हूं पहले। नहीं, हाँ, एक किसी बच्चे ने ऑक्सीजन की बात की है, वो कुछ, हाँ, फुलफिल ऑक्सीजन डिमांड वेजो डायलेशन, शब्द इसको क्या कहते हैं, इस चीज को क्या कहते हैं बेटे, टू फुलफिल ऑक्सीजन डिमांड जो वेजो डायलेशन होती है, लोकल मेटाबोलाइट। शाबाश अदलीब, बशरा, इसको कहते क्या है बेटे? आप लिख सारी बात रहे हो, मुझे बता दो इस टेक्नोलॉजी का नाम क्या है? इरशा यू राइट, ये मारुषा यू राइट, ऑक्सीजन डिमांड थ्योरी।
ऑक्सीजन डिमांड थ्योरी में हमने पढ़ा था, अगर याद हो तो, कि जब ऑक्सीजन ज़्यादा एक्सरसाइज में ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाएगी, ठीक है, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाएगी, उसकी वजह से वेजोडाइलेशन होगी। क्यों होगी? बिकॉज हाइपोक्सिया कॉजेज वेजोडाइलेशन। अभी हमने अभी भी किया था पल्मोनरी सर्कुलेशन में भी यही बात की थी हमने कि लंग के अलावा जहां पे भी हाइपोक्सिया होगा वहां पे वेजोडाइलेशन होगी। और क्या, एक तो हो गई ऑक्सीजन जो वेजोडाइलेट कराती है, और एक ऑक्सीजन हो गई, और भी कोई मेटाबोलाइट्स हैं? शाबाश शाबाश। एडिनोसिन अब लिखना में मुझे बड़ा लंबा हो जाएगा। हाँ, एडिनोसिन याद रख लेना, मैं बस ए लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ तक याद रहे आपको। फिर पोटेशियम है, ठीक है, और नहीं सोडियम नहीं है बेटे, और एक और चीज, शाबाश, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अभी टाइम ख़त्म हो रहा है इसका, ये डिस्कनेक्ट होगा तो फिर दोबारा रिजॉइन करेंगे, ठीक है। नाउ ये है जनाब अली वजह के इन skeletal muscle you have in exercise you have vasodilation because of oxygen demand theory and vasodilatory metabolites. Yes, ho gaya bhai, lactate ab wo anaerobic respiration tab chali jayegi, bahut complicated ho jayegi, usko rehne do, theek hai, aage chale, chalo. Baat usne kar, ये आगे लिखा हुआ था सारा, लैक्टेट भी है, ऑटो रेगुलेशन भी है, एक्टिव और रिएक्टिव एक्रीमिया भी है, ठीक है। चलो अब आते हैं जनाब स्किन पे, ठीक है। स्किन में ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन से काम चलता है, ठीक है। अब स्किन की बात आ रही है, स्किन का बेटे क्या वैसे मेन रोल है, आपको पता है ना, स्किन एक ऑर्गन है, ये बात याद रखनी है। स्किन इज एन ऑर्गन, वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है इस ऑर्गन की? प्रोटेक्शन है, शाबाश, और इम्यूनिटी भी है, यस, और ये बॉडी टेम्परेचर की रेगुलेशन, रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अब उस तनाजुर में आप जब सिंपैथेटिक इनर्वेशन को देखते हो तो बात समझ में आती है। अब आपको ठंड लग रही है, आप क्या चाहोगे कि स्किन को क्या हो? ठंड लगने में आप क्या चाहोगे? वार्म रहना चाहोगे, जाहिर है। तो स्किन में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को आप क्या कहोगे? शिवरिंग तो बाद की बात है ना, अभी अभी ठंड लगना शुरू हुई है। दुआ बेटे वो उर्दू नहीं समझती, स्किन या सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इंक्रीजेस, यस, उसकी जो एक्टिवेशन है वो हो जाती है, और वो अब क्या करेगी वो वेसल्स को? शाबाश, हाँ, अब वो वेसल्स को वेजो कंस्ट्रिक्ट करेगी, ठीक है। जब स्किन के वेसल्स को वेजो कंस्ट्रिक्ट कर देगी, अब क्या होगा? आपको गर्माई, ये कैसे आपको फायदा होगा, गर्माइश कैसे मिलेगी आप ये बताएं? प्रिवेंट हीट लॉस कैसे? अक्सर शिवरिंग को जरा रोक लो थोड़ी देर बेटे, अभी सर्दी ज्यादा नहीं हुई, अभी हम सर्दी ज्यादा कराते हैं थोड़ी देर में। अच्छा, कैसे अरीबा कैसे प्रिवेंट होगा बेटे? डिक्रीज डिसिपेशन ऑफ हीट, ब्लड अवे फ्रॉम स्किन, ये गुड। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेशन, एक्स्ट्रा एक्टिवेशन की वजह से क्या होगा कि ब्लड यहाँ पे इसकी जो सर्कुलेशन है वो कम हो जाएगी, ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, ठीक है। जब ब्लड फ्लो कम हो जाएगा तो वो आएगा ही नहीं, अगर वो आएगा ही नहीं तो एवेपोरेशन नहीं होगी, जब एवेपोरेशन नहीं होगी तो जो बॉडी है वो वार्म होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। ये मोटी सी बात है, चलो गूज़बम्प्स भी हो गए। तो
तो शिवरिंग का ये होता है कि जब बहुत ज्यादा सर्दी होती है तो इस सारे मामले के अलावा शिवरिंग कराई जाती है ताकि स्केलेटल मसल जो है वो मूव करें तेजी के साथ, उससे भी गर्माइश पैदा होती है, फ्रिक्शन से गर्माइश पैदा होती है, ठीक है। और अब क्योंकि गर्मियां आ गई हैं, अब क्या होगा बेटे, अब इसके सबका उलट हो जाएगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो डिक्रीज कर दिया जाएगा ताकि ब्लड स्किन के पास आए, उसमें से इवेपोरेशन हो और इवेपोरेशन की वजह से ठंडक का एहसास हो और वो मामला उस तरह से हो जाता है, ठीक है। हाँ, वैसोडायलेशन, यस। और ये भी एक चीज है, ये खैर आप ब्लड में भी देखोगे, वैसोएक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं जैसे हिस्टामिन है, तो वो ट्रिपल रिस्पॉन्स करती है इन्फ्लेमेशन में, ठीक है। ये एक साइड पॉइंट है, स्वेटिंग होगी, बिल्कुल स्वेटिंग उसी से होती है ना, इवेपोरेशन से होती है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब ये एक समरी है जो बड़ी मजे की समरी है, इसमें सारी चीजें बुलेट फॉर्म में दी हुई हैं। जी बेटे, सब सर्दी में ब्लू होते हैं, यस, सब बहुत सख्त सर्दी में, और उसको अगर आप बहुत ही ज्यादा सख्त सर्दी कर दें तो वो ब्लू होने के बाद वो ब्लैक भी हो जाते हैं, डेड भी हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ब्लड सप्लाई, गैंग्रीन कहते हैं। अच्छा जी, अब ये आप देख लें कि अल्लाह आपको भला करे, कॉरोनरी सर्कुलेशन भी दी हुई है, सेरिब्रल भी दी हुई है, स्केलेटल भी दिया हुआ है, स्किन, पल्मोनरी और रीनल, सब कुछ दिया हुआ है। और ये एक अच्छा तरीका होता है समराइज करने का, तो आई लाइक दीज टेबल्स, क्योंकि इसमें आप एमसीक्यू के लिए जब आप पढ़ रहे होंगे या एसीक्यू के लिए पढ़ रहे होंगे तो आप एक अच्छी सी ना एक आप वो कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर अगर आप एसीक्यू के लिए पढ़ रहे हैं और आपको कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है, आपने रिवाइज करना है, टाइम कम है, आज ही इम्तिहान है और आज ही आपने रिवाइज करना, तो इस तरह के टेबल्स बहुत काम करते हैं। तो अब ये देखो, अब सर्कुलेशन, ये कॉरोनरी से रिलेटेड जो बात है वो उसमें काफी हद तक बुलेट पॉइंट्स उसने मेंशन किए हैं, जाहिर से सारे पॉइंट्स तो नहीं वो मेंशन किए लेकिन मोटे मोटे पॉइंट्स ने सारे किए, ठीक है ना। उसने सिंपैथेटिक के अंदर लिख दिया है जी लेस इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म, जाहिर ये काफी नहीं है, यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा कि जी वो पहले वैसोकंस्ट्रिक्ट करता है लेकिन फिर उसके बाद लोकल कंट्रोल उसको ओवरकम करता है और वो वैसोडायलेशन कर देता है, वो सारी जो कहानी है वो। लेकिन इसका फायदा ये होता है इस तरह के टेबल्स का कि आपको हेडिंग्स याद हो जाती हैं, जिन हेडिंग्स में, एक सेकंड, जिन हेडिंग्स में आपने लिखना है वो हेडिंग्स आपको अगर याद रहे ना तो बाकी क्योंकि कॉन्सेप्ट आपने किया हुआ है, आपको सिर्फ हेडिंग्स कभी कभार याद रखनी पड़ती है कि अच्छा भाई अगर सवाल इसका एसक्यू आ जाए तो उसमें मैंने लिखना किस किस हेडिंग के अंडर लिखना होगा। अब कॉन्सेप्ट अगर बना हुआ है तो फिर सिर्फ ये याद रखना काफी होता है, ठीक है। कहानी आदमी खुद बना लेता है, फिजियोलॉजी का फायदा ही है, फिजियोलॉजी में अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो आप उसको अपने अल्फाज में लिख सकते हो और नंबर आपको मिल जाएगा उसके। एनाटॉमी वगैरह का मसला ये होता है कि उसमें फैक्ट्स होते हैं तो वो फैक्ट्स को की कहानी तो नहीं बन सकती ना, कॉन्सेप्ट की कहानी बन सकती, ठीक है। ये हो गई बात, इसको हमने कवर कर लिया। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। आगे फीटल सर्कुलेशन एक माइनर पॉइंट है, ये आपने एफएससी में पढ़ा होगा, टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट पढ़ी होगी आपने, वाले फीटल सर्कुलेशन भी पढ़ी होगी। इसमें आपने मोटी मोटी बातें ये देखनी है कि इसमें एक चीज होती है डक्टस आर्टेरियोस, मैं ये डिटेल में नहीं कराऊंगा बेटा, ये पढ़ लेना, ठीक है। एक चीज होती है डक्टस विनोसिस, ठीक है ना। तो उसमें इसमें बेसिकली बात ये है करने वाली कि जब फीटल लाइफ होती है ना, जो फीटल सर्कुलेशन होती है तो मदर के साथ वो सर्कुलेशन जो है वो कनेक्टेड होती है, यहाँ से अब लाइकस से कनेक्टेड होती है, ठीक है। तो जाहिर है सारी जो ऑक्सीजन है और सारी जो ऑक्सीजन समेत फूड्स सबस्ट्रेट्स वगैरह सारे अम्बिलिकल ये वेन से आ रहे हैं, इसके अंदर इसको दिए जा रहे हैं माँ के ब्लड के जरिए, ठीक है, ये यहाँ से दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो लंग्स का किरदार है फीटस में वो कोई है ही नहीं, सांस बच्चा वो एमनोटिक फ्लूइड में थोड़ी लेता है, ये तो कोलैप्स होते हैं, ठीक है ना। तो ये बातें देखना जरूरी होती हैं कि भाई उसके लिए फिर बायपास वेसल्स होते हैं जो पल्मोनरी सर्कुलेशन को बायपास करें, ठीक है। फिर डक्टस विनोसिस आपको समझ में आ जाएगी बात, फिर नीचे भी जो जीआईटी है उसमें एक डक्टस
विनोसिस होता है, वो भी एक एक बायपास मैकेनिज्म है। ये बार इसको देख लेना, पढ़ लेना, एक आध दफा पढ़ोगे तो ये क्लियर हो जाएगा। इसको आप गाइडेंस से भी पढ़ सकते हो, मिनी गाइडेंस से ही पढ़ सकते हो, उसको आप BRS से ही पढ़ सकते हो, ठीक है। और मेरा वो जो वीडियो है उसमें मैं डिटेल में इसमें बात कर ही रहा हूँ, उसको भी आप देख सकते हो। ये बेटा खत्म होने वाला है, मेरा ख्याल है हमारा लेक्चर भी खत्म ही हो गया है, आपको जल्दी फारिग कर देते हैं इंशाल्लाह। तो ये हो गई बात, और आपने बस ये याद रखना है इस स्लाइड को कि बेटे ये चार चीजें हैं, ये चार चीजें हैं जो होती हैं फीटल सर्कुलेशन में एट बर्थ, यानी फीटल सर्कुलेशन जब डिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट होती है तो उसमें ये चार चीजें आती हैं। जो ये जो ये वाले सारे मामला हैं ये बंद होते हैं और जो पल्मोनरी रेजिस्टेंस है वो नीचे चली जाती है ताकि वहां पे ब्लड आ सके, ठीक है। दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। ये उसके फीचर्स हैं, ये भी देख लेना। ये खत्म हो गया नीचल सर्कुलेशन, और कल कल हमारा लेक्चर है शायद, तो कल हम नहीं दोबारा ज्वाइन नहीं